नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में जो सहायक अध्यापक भर्ती का रिजल्ट है वो आज जारी कर दिया गया है। दोस्तों आप आयोग की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों देख लेते हैं डिटेल में क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा है 4 जिलों ने बैकलॉग के पदों पर भर्ती का रिजल्ट किया जारी। देखिए दोस्तों, जो सहायक अध्यापक भर्ती का रिजल्ट है वो 4 जिलों ने जारी किया है। दोस्तों 4 जिले कौन कौन से हैं उन्हें देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है देहरादून प्रदेश में बैकलॉग के 361 पदों पर शिक्षक भर्ती का 4 जिलों ने रिजल्ट जारी कर दिया है। शिक्षक निदेशक रामकृष्ण उनियाल के मुताबिक प्राइमरी सहायक अध्यापक भर्ती के रिजल्ट को विभाग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। आप विभाग की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं सहायक अध्यापक रिजल्ट को। दोस्तों देखिए आगे लिखा गया है, काउंसलिंग के बाद शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। जो आपकी काउंसलिंग, सबसे पहले आपकी काउंसलिंग होगी, उसके बाद ही दोस्तों आपको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। आगे लिखा गया है, शिक्षा निदेशक के मुताबिक 31 मई 2019 को सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। दोस्तों आपके जो आवेदन मांगे गए थे वो 31 मई 2019 को मांगे गए थे। आगे देखिए क्या लिखा गया, 4 जिलों बागेश्वर, 4 जिले दोस्तों हमारे बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ ने जो शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी है। आगे दोस्तों लिखा गया, मंगलवार तक हरिद्वार जनपद की ओर से भी मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। मंगलवार के दिन दोस्तों जो हमारा हरिद्वार जनपद है उसके द्वारा भी जो सहायक अध्यापक भर्ती का रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों आगे क्या लिखा गया, जबकि अन्य जिलों भी जल्द ही जारी करेंगे। शिक्षा निदेशक ने कहा कि जिन जिलों ने मेरिट लिस्ट जारी की है उनके द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों पहले आपकी काउंसलिंग होगी, उसके बाद ही आपको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। साथ ही दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा गया है साइड में, 287 पदों पर भी चल रही भर्ती प्रक्रिया। दोस्तों 2287 है, 287 नहीं है। शिक्षा निदेशक के मुताबिक बैकलॉग के पदों पर शिक्षक भर्ती के बाद 2287 पदों पर शिक्षक की भर्ती होगी। दोस्तों अभी आपकी 2287 पदों पर और शिक्षक की भर्ती होने वाली है। दोस्तों विभाग में इसकी प्रक्रिया चल रही है। शिक्षकों की यह भर्ती हाईकोर्ट से रोक के चलते लटकी थी, अब रोक हटने के बाद भर्ती प्रक्रिया चल रही है। शिक्षकों की यह भर्ती हाईकोर्ट के आदेश के अधीन है। तो दोस्तों देख सकते हैं जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है वो 2287 पदों पर अभी आने वाली है। दोस्तों आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, आपके लिए हेल्पफुल हो। पसंद आई तो लाइक करें, साथ ही हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।